सीएम योगी ने कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर के दिवंगत पिता को दी श्रद्धांजलि। परिजनों से मुलाकात कर लखनऊ के लिए रवाना हुए सूबे के मुखिया। जी हां, प्रीतम नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने कौशाम्बी के बीजेपी सांसद विनोद सोनकर के दिवंगत पिता की 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत आत्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा परिवार को सांत्वना देकर लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि दुख की घड़ी में महाराज जी के आने पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। हालांकि इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बमरौली एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधे प्रीतम नगर स्थित सांसद विनोद कुमार सोनकर के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की तथा लखनऊ के लिए रवाना हुए। देखिए, एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि महाराज जी से संबंध मेरा पारिवारिक है और बहुत पुराना है। 1995 से महाराज जी से मेरा अपना संबंध पारिवारिक है। उस नाते आज मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद आए, उन्होंने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया और परिवार के लोगों को सांत्वना भी दी और साथ ही साथ परिवार के लोगों को ढांस बंधाया। इसलिए पूरा परिवार आज उनका इस बात के लिए रेडी भी है और इस दुख की घड़ी में महाराज जी जिस प्रकार आके सांत्वना भी की हैं, निश्चित रूप से महाराज जी अपने परिवार के जो सदस्य मानते हैं उस नाते आ जाए। इसलिए महाराज जी का पूरा हम लोग परिवार के सदस्यों के साथ उनका हृदय से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं।